ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਬਾਰਾ ਵੈਲਕਮ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਤੋਂ ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਇੰਸਪਾਇਰ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਟਿਪ ਹੈ ਇਹ ਐਪਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਦ ਐਪਲ ਹੇਅਰ there's so many benefits, there's so many health benefits to this apple. So first of all, it's got lots of calcium in it, so that's good for the bones. It also helps to reduce so many types of diseases such as diabetes, helps to lower cholesterol, even helps to reduce any risks of cancer. As they say, an apple a day keeps the doctor away, and of course it is to help you, it is to keep your immune system and to keep your health up as well. So Uncle Ji, another ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਰਹੀ ਪੈਣਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਪਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸਟਰੋਲ ਲੋਅਰ ਕੈਸਟਰੋਲ ਇਹ ਕਰਦਾ इस करके अपने कैसट्रोल को कंट्रोल रखने वास्ते उस वास्ते भी एप्पल बहुत ज़्यादा जरूरी है। होर बहुत सारिया बीमारियां जिवें खास करके असी गल करिए जिन्हों का शुगर लैवल सही नहीं डायबिटिक पीपल है उन्होंने वास्ते जिन्ना हार्ट के मरीज ने और जिन्हों दिल की बीमारी है उन्होंने वास्ते भी बहुत वधिया कैल्शियम भी पाया जाता है। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਪਲ ਦੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਐਪਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲਾਲ ਐਪਲ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਐਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਐਪਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲ ਐਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। तो खास तौर पर अज के गैस्ट नाल असी गलबात करते हैं तो खास तौर पर असी गल करांगे पिछले दिनों में जो बाबा दीप सिंह दे गुरद्वारा साहिब के कोल खुले पंडाल दे विच पहली वारी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पुरब पहला मनाया गया उस दिन संत करतार सिंह की बरसी मनाई गई। उस सब तो पहले उस संबंध की कहना चाहोगे? वो मतलब जिवें साढ़े 9 पातशाहियां श्री गुरु नानक देव जी तो बाद दे विच सारिया के प्रकाश पुरब गुरतागद्दी दिवस ते ज्योति जोत दिवस जिहड़े ओ मनाए जांदे आ। 3 गुरपुरब अपने सारे सतगुरु साहिबान जी दे प्रसिद्ध आ। हां जी सिखां नूं शायद मतलब संगतां नूं घट जानकारी होवे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा भी इसी तरीके दे नाल पहला प्रकाश ते आप जी दा गुरतागद्दी दिवस ते जिहड़ा उत्थे असीं मनाया सी संगतां दे सहयोग दे नाल सतगुरु साहिब जी दी असीस नाल ओ सी महाराज साहिब जी दा संपूर्णता दिवस जी कि जदों 9 महीने ते 9 दिन तलवंडी रखा मुकाम दमदमा साहिब विच गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं कंठों उचारिया और लिखाई पूरी कीती जी उहनूं असीं मतलब मुख रख के उस पुरब नूं जिहड़ा सतगुरु साहिब जी दा दूसरा पुरब आ ते उहनूं और नाल श्रीमान संत बाबा करतार सिंह जी खालसा भिंडरां वाले जिहड़े गुरु घर दे बड़े वड्डे प्रचारक सन अपने समय दी आप मिसाल सन इंदिरा गांधी दी लाई एमरजेंसी तोड़ी बड़े पराक्रम वाले काम कीते ते उहनां दी 49वीं बरसी ते अगले साल 40वीं ते संगत इसी तरीके दे नाल प्रेम दवे ते वो भी फिर इसी तरीके दे नाल मनावांगे जी। बहुत वधिया। इस नाल असी खास तौर ते गल करदे ये धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज दा प्रकाश पुरब बहुत ही श्रद्धा भावना मनाया गया ते मनाया जा रहा है। तुसीं की कहना चाहोगे? सोडी सुल्तान धन श्री गुरु रामदास साहिब जी दा गुरपुरब कल देशां विदेशां दे विच और सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी दे विच बड़ी धूमधाम दे नाल मनाया गया। आपां सारियां ने टीवी उपर वेखिया जी। दास नूं भी मौका मिलिया इत्थे सिटी यूनिवर्सिटी लंडन जाके ते उस संदर्भ विच स्टूडेंटां नाल लैक्चर करना गुरु रामदास साहिब जी दे जीवन उपर। श्री गुरु रामदास साहिब जी दी महिमा ओह लखी नहीं जा सकती कही नहीं जा सकती अपने को समा थोड़ा। श्री गुरु रामदास साहिब जी रामदासपुर श्री अमृतसर साहिब गुरु रामदास सरोवर श्री गुरु रामदास साहिब जी दा पवित्र ताल अमृतसर साहिब दा सरोवर गुरु रामदास साहिब जी दीयां वडियाइयां दा ओह सारा मुजस्समा कल दा दिन ओह सैलीब्रेशन सी कि सानू की दे करके गए लावां दी बाणी दित्ती होर बेअंत कौतक महाराज साहिब जी ने साडे वास्ते कीते जी। अमनदीप कौर तुसीं कुछ पूछने हो? हाँ जी बिल्कुल. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एक्चुअली वांट टू नो अबाउट योरसेल्फ इज दैट ऑफ कोर्स यू नो यू क्वाइट यंग एंड यू अ ब्रिटिश यंगस्टर. Can you tell us about your journey and how you actually got into Sikhi and how you managed to learn everything that you know now? The way that I came into Sikhi was through Sangat and the usual route that everyone takes about Amrit Shakti. Amrit Shakti to baad de vich I had a yearning to learn about Sikhi, about Guru Granth Sahib Ji. Okay. The first step I think for anyone to learn about Gurbani is Gurbani di Santhya karni. Fir Gurbani di Santhya karan vaste main इंडिया गया एंड उत्थे जा करके बाबा संतोख सिंह जी महापुरुष ज्योति स्वरूप वाले बड़े साडे सिख जगत के प्रसिद्ध सी. शायद हुण इन्ना संगत जानदी नहीं बट वैन दे वर अलाइव एवरीवन इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस न्यू देम एंड रिस्पेक्टेड देम. उत्थे मैनूं रहण दा सुभाग मिलिया. कितना टाइम उत्थे रहे तुसीं? मैं कोई साल दे लगभग थोड़ा घट समा ते जिहड़े बाबे रंधावे वाले आ संत बाबा हरी सिंह जी रंधावे वाले ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਧਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੀ. ਜੀ ਜੀ. And that's how I learn and the things that I learn at that stage. ਜੀ. Okay, and then how do you become sort of so knowledgeable? How do you become to this stage where you think, okay, I want to teach other people. I want to make sure other people have the same knowledge as me. I mean, how does your passion come about? In terms of all of that, number one, I'm not very knowledgeable. I'm still learning and I'm still progressing. I let me bahut zyada meri umar bhi choti vidya bhi sab kuch na. But it's a constant learning. It's a constant learning. वैसे गल अही करी है जो दमदे इंटरसाल है जिन्ना मर्जी कोई पढ़ लिख जाए अपने अपन वो विद्यार्थी कहंदे है कि दमदे सब दा विद्यार्थी है. तो इस संबंध विच खास तौर ते 350 साला तन तन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दा रहे है. उस संबंध विच तुहाडे वल्लों तुहाडी संस्था वल्लों किस तरह के प्रोग्राम कित्थे कित्थे लेके गए? सो गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दा 350 साल सारे सिख जगत दे विच बहुत बड़ी खुशी वाली गल है. आई डोंट थिंक साडे लाइफ टाइम विच इफ वी लिव इनटू द 400 इयर्स एनिवर्सरी ऑफ सतगुरु साहिब जी इज कमिंग साडे वड्डे भाग. इफ नॉट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी वी कांट मिस एज अ कॉम. जी. जदों मैं पढ़दा सीगा मैं इत्थे ए लेवल्स कीते आई डिड इंग्लिश लिटरेचर एंड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तरह तरह ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਾਰੇ. और ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ. ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀ ਆ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੜੋ. ਬੁੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਹੈਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ. ਔਰ ਮੇਰੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ. ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਚੌਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੀ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ते असी ये शुरू किया कि देश इस इंग्लैंड दे विच विचर के ते सारे गुरु महाराज जी की दसवें पातशाह जी की जिहड़ी बाणी आ उहदी कथा होवे इंग्लिश और पंजाबी च. गुरुद्वारा बाबा संघ जी समैदिक इत्थे बर्मिंघम दे विच उत्थे महाराज साहब जी दे 33 सवैयां की कथा हुंदी आ. जिहड़े 33 सवैये जिहड़ी ओह बाणी आ ओह लाइक खालसे की कॉन्स्टिट्यूशन कह लवो. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਖੰਡ ਦਾ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਨ ਖੇਡ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਆ. ਦੇ ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰਕ ਆ ਉਸ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਜੂਨੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਆ. ਫਿਰ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਕਥਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੋਠ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੇਵਿਕ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਜੀ. कई संगतां नूं अजीब लगूगा कि चंडी दी वार जां इकी आ जिहड़ी अरदास पढ़दे आ. अरदास दी पहली पौड़ी प्रथम भगवती सिमर कह तो लै करके गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे नाम तक वो चंडी दी वार चों आउंदी आ. एंड ओहदे विच महाराज जी ने चौह जुगी चली कहानी तेग दी जिहड़ी तेग आ कृपान आ इहदी कहानी चारां युगां दी चलदी आ. दो कृपानां आ एक ओ आ जिहड़ी दुश्मन नूं दो पाड़ कर दिंदी आ झटका करके. दूजी ज्ञान दी है जिन्हें सानू विवेक करना दो तो एक करना. गुरु गोबिंद सिंह जी इन द बाणी पर्टिकुलरली दैट्स व्हाट दे कवर जी. दोनों तरह के नाल एक कृपान दे जौहर एक कृपान दी माहरता खालसे नू बनाया ही संत सिपाही है. वो चंडी दी वार दी कथा हुंदी है. एंड जिहड़ी तीसरी कथा ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਲੜੀਦਰ ਬੱਜੀ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਕਥਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਊਥਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਆ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ और नाल नाल थोड़ा थोड़ा टूक मात्र इंग्लिश दे विच, इन्ना समा नहीं कि चंगी तरह इंग्लिश विच कीती जावे पर पंजाबी च नाल थोड़ी इंग्लिश कॉमेंट्री दे नाल कि महाराज जी की जी जित का पैगाम जफरनामा कि उन्होंने असी समझिए कि महाराज साहिब जी कौन सन, के उस समय के हाकमरान बादशाह नूं ओ किवें जिवें लगा मात्रा दे नाल फनियर काले नाग ते बिच्छू जिवें डंग मारदे आ, पंजाबी दियाँ लगा मात्रा सिहारियां बिहारियां कन्नियां दे नाल ते सच्चे पातशाह जी उहदे उपर वार करदे आ ते उह अंत मर जांदा। ये तीन बाणियां दी मतलब पक्की कथा गुरपुरब तक सतगुरु साहिब जी कृपा करन चलदी रह रही आ जी। ये मतलब साडा मुख प्रयोजन आ। बहुत वधिया तरीके नाल तुसीं गुरु कुमार दे सिद्धांत है संगतां नूं दृढ़ करांगे। असी खास तौर ते संगतां नूं मंग है कि तुसीं इत्थों दी जंपल तुहाडी पंजाबी बहुत ज़्यादा वधिया है, पंजाबी विच सुधार लियाउण वास्ते की करना चाहिए? ये तो बहुत जरूरी है पंजाबी विच सुधार लियाउण वास्ते। एक तो हुण मैं अपने वास्ते सोचिया फॉर अ लॉन्ग टाइम वी बीन डूइंग कथा इन इंग्लिश एंड व्हाट टेंड्स टू हैपन इज ये तो हुंदा ना जिवें न्याणे दा रेड नहीं हुंदी है जो कोई इदां दा टॉय जो व्हेन किड्स आर स्मॉल वी बाय देम अ कार और समथिंग टू वॉक विद कि उन्हां दी हेल्प करिए। मैं आप महसूस किया कि अमृतधारी नौजवान इस मुल्क के 10-10 साल कई मेरे वीर और भैनों नूं हो गया अमृत छकियां नूं, और जो कथा करके असीं उठदे आ भाजी डिडंट डू इनफ इंग्लिश कि हुण मैं सोचिया कि बोलना ही पंजाबी दे विच आ, थोड़ा क नाल इंग्लिश दे विच कि ओह आउण, पर पंजाबी उन्हां नूं मजबूर कर दईए कि तुहानूं हुण पंजाबी वाले पासे आउणा ही पैना, क्योंकि ये किसी की तो माँ बोली होगी, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। But do you find when you do the English translation, when you're talking about it in English, it's not really the same thing because the words in Gurmukhi can't really be translated and defined in English? And you're completely right, Benji. It's a language barrier, है ना? There's only so much we can do. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ मतलब मेरे ਜਿਹੜੇ मतलब ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਟੂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਦੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਆਪ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ मतलब ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਉਹ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਸ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਪਰ ਆਈ ਡੂ ਫੀਲ ਨਾਓ ਵੀਵ ਕਮ ਟੂ ਅ ਸਟੇਜ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੇਬੀ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਹੈਪਨ ਮੋਰ ਐਸ ਵੈਲ ਬਟ ਇਟਸ ਕਮ ਟੂ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸੋਲੀ ਰਿਲਾਇੰਗ ਔਨ ਇਟ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। पिछले समय की गल करिए तो दसम ग्रंथ तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो दसम बाणी है किसी तरह तो कोई विवाद नहीं सी जी। इस समय अजोके टाइम की गल करिए बहुत ज़्यादा खाना जंग शुरू हो गई है, आपस में भरा भरा के दुश्मन बन गए। की कारण है कि अजकल इहो जे ज़्यादा मुद्दे उठे? कारण यह आ कि मैं ये गल शायद संगत नूं मैं बड़ी हौली तरीके दे नाल स्लोली समझाना। वो गल जिते तक मेरी समझ आ जेडे साडे पुराने मतलब महापुरुष सीगे जां उस्ताद सी ना उन्हां दा सुभाव हुंदा सी कि अधिकारी वेख के तो पढ़ाई करनी। Even in England or UK, the system that we have is you have to have entrance examinations. To go to a certain university, you have to pass it and get the qualifications. जदों दसम ग्रंथ साहिब जी दे टीके नहीं सीगे, सटीक नहीं सी, कथा इंटरनेट वगैरह तो मिलती नहीं सी, उदों कुछ ज़्यादा रौला नहीं सी। प्रॉब्लम उत्थे आ करके पई कि जिहड़े लोकां नूं ठीक तरीके दे नाल पंजाबी दी अखबार पढ़न दा नहीं पता सी वे इह किद्दां पढ़नी आ, जां इहदे च अखबार दी पढ़ाई नूं सच्चा मन जो अखबार च लिखिआ उहनूं ही मन्नी गए, उहदा नहीं फैसला कर सके वे अखबार वालिआं दा भी कोई अपना मंतव हुंदा, सरकारी चालां हुंदियां। दे डोंट अंडरस्टैंड द वे दैट इवन द वर्ल्डली मीडिया उन्हां दे हत्थां दे विच जदों दसम दे सटीक आ गए, बाणी आ गई, ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਵੇ पंडित नारायण सिंह जी, ज्ञानी नारायण सिंह जी उन्होंने टीका बड़ा मशहूर है दसम का कि जे किसी ने पढ़ना है कि तुसीं जा करके लै लवो। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਸੰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ कि वो मतलब दो तीन हफ्ते बाद जसों असीं होर शहर दे विच सैमीनार कीता वो साडे नाल लड़न लग पिया कि उहदे विच तां इदां लिखिया अच्छा मैं उन्होंने पूछा भी वीर तू मतलब जिवें मैं तेनों सलाह दित्ती सी वे टीका लैके आया हाँ मैं लैके आया अच्छा तू किन्ने भाग लैके आया मैं 8 दे 8 ही भाग लैके आया अच्छा फिर अच्छा तू मैनूं ये दस भी मतलब आपां नूं मिलिया नूं हफ्ता हो गया तू 8 ही पढ़ लै नहीं बाबा जी मैं 8वें तो शुरू कर कीता भाव जिथे चरित्र शुरू हुंदे भी मतलब साडी सोच ही इहो जिही आ with a dirty lens whatever you see you look into a dirty mirror your face won't look nice है ना ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੈਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਹੋਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਸੱਦਦੀ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਆ भाई तरजिंदर सिंह जी पिछले हफ्ते उन्होंने आरंभ की भाई कुलजीत सिंह जी लैसटर तो आ रहे हो संडे आ रहे हो इंग्लिश के जपजी साहब की कथा या जिथे जिथे भी संगत जिवें कल मैं लंडन जा करके आया जो होर किते भी तो सारे सिंह हाले काम करते आ साडे विचों कईयां दा फुरना भी है कि हुण इधर फुल टाइम आ जाइए जी सतगुरु साहब जी नूं पाया होर भी जिथे जिथे संगत सादी असीं जावांगे मैं एक गल जरूर करनी चाहुंदा कि सिक्खी दा थम है शरदा जी सिक्खी शरदा ते खड़ी आ ये जिहड़ा महल गुरु नानक देव जी ने बनिया इहदी पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै व्रत गोर मड़ी मट भूल ना मन्नै वो चीज़ां मन्नण तो पहलों वे नहीं मन्नणियां असूल यह है कि पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै प्रेम भी करना ते भरोसा भी करना ते अज दा जिहड़ा सिख आ जां जिहड़ा जिहो जिहा मैसेज दुनिया दे विच जा रिहा जिहड़ा नवां बंदा टीवी वेख के अमृत छकण दी सोचदा जां कुछ भी उन्होंने असी मूल सिद्धांतों तो इन्ना को दूर कर रहे हैं कि कोई हद नहीं अगले ने कंफ्यूज होके तो कहना ही है कि ये नालों तो मैं घर बैठा ही चंगा है उहदे विच मेरा भाव ये कहण दा आ कि आपां सारी बाणी वेखीए बेशक गुरु ग्रंथ साहिब जी दी आ जां दसम ग्रंथ दी महाराज जिथे खंडन करते किसी भी गल दा वो उस वेले सी कि लोकी साध सीगे वो माला फेरदे सी जां 68 तीर्थां ते इशनान करदे सी जां इहो जी गल कर्मकांड करदे सी ते महाराज ने डट के चीज़ां दा खंडन कीता अज जिहड़े मेरे वीर भैन मेरी उम्र दे भी मेरे तो वड्डे भी मैं तो दोवें हत्थ जोड़ के यही बेनती करदा कि अज दा जिहड़ा समा है ना ना कोई इशनान करके राजी आ अमृत वेले उठ के राजी आ ना मैं अज तक गुरद्वारियां दे विच विचर के देखिया कोई माइयां होणगीਆਂ 50-60 सालां दीयां जिन्हां दे हत्थां विच माड़ा आ जां हो रिहा जिहड़ी अज कोई इशू ही नहीं हैगी ओहदा खंडन कर करके ते असीं नाम सिमरन तो बाणी तो रहत तो ये सारियां चीज़ां तो तोड़ रहे हैं जी गुरु नानक देव जी दे वेले ना जिहड़ी दुनिया दा सेंटर सी वो हिंदू धर्म सी ते जिहड़ा अज आ वो हैगा सेंटर एथीइज्म नॉट बिलीविंग इन गॉड राइट सो इफ यू कैन चैलेंज एनीथिंग ते अपने प्रचार दा केंद्र बनाउणा आ ते वो जिहड़ा नास्तिकवाद आ ना उहनूं रल मिल के इकट्ठे होईए वो चीज़ां दा खंडन जदों आपां करन लग पैने जिहड़े अपने वीर करन लग पए आ वो हो की जांदा आ अपना सिद्धांत भी ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੰਡਨ ਕਰੋ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦਾ उस लैवल ते ना आ जाओ कि जिहड़ी अपनी चीज़ आ मोती आ हुण जे मोती नूं थोड़े नाल करूंगे तो ना मोती दी वैल्यू रहनी उन्हें खेरू खेरू हो जाना बिल्कुल संभाल के रखो ते खास तौर ते सुखजीवन सिंह जी प्रोग्राम दे अखीर विच तुसीं अपने लोक संगतां नूं मैसेज की देने मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि साध संगत जी तुसीं साडे माई बाप आ तुहाडे करके तुसीं प्रेम करदे आ इस करके असीं सारे प्रचार कर सकदे आ तुहानूं मेरी ये बेनती है कि जिहड़ी गुरु साहिब जी ने सानूं हुक्म दित्ता जदों गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी इस दुनिया चो गए सचखंड गमन किया तुहानूं चेता होगा बाबा अवतार सिंह जी बिधी चंदी आए सी ना ते तुस तुहाडे चैनल ने बड़ी सोहनी उन्हां दी कवरेज कीती मैं भी कथा उन्हां दी असीस दे नाल ज़्यादा उन्हां ने इस पासे दसम वाले पासे उन्हां ने लाया वो महापुरुष जिथे जांदे सी लगभग उन्हां ने एक साखी जरूर सुणाउंदे सी वो साखी ए सी एंड आई थिंक इज़ वैरी रैलेवेंट कि जदों गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी का अंत का समा आया तो महाराज संदेहे अपने घोड़े ते सवार हो के तो सचखंड नूं जाण लगे सचखंड श्री हजूर साहिब खालसा विरलाप करदा बिलकदा महाराज साहिब जी के चरनां नूं फड़न की कोशिश करदा घोड़े के पैरां नूं फड़न की कोशिश करदा पर जिवें खालसा ये करदा आ Maharaj na ta charn phad hunde ya koode de vich di hath is like an invisible force, they couldn't touch it. Khalsa ro riya ve hun ki kita jave. Kalgidhar ji ne thalle wal ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰੋਵੋ ਨਾ ਵਿਰਲਾਪ ਨਾ ਕਰੋ ਬਰਾਗ ਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਿਤਨੇਮ ਚ ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਨਾਮ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ जोड़ के गए। कल गुरु रामदास साहिब जी का जो गुरपुरब सीगा जो गुरु रामदास साहिब जी के पिता चढ़ाई कर जाते हैं तो उन्होंने माता लैके लैन वास्ते आती है कि पुत्र तुसी जाओ भी पिता का संस्कार करिए तो गुरु रामदास साहिब जी कहते मैं जाना नहीं मैं सतगुरु सेती पिरहड़ी वो शब्द पढ़ते हैं सूही राग की अष्टपदी आ वो फिर गुरु अमरदास साहिब जी भी सवाल पाते हैं कि पुरखा वे हुण तां तू कहना कि मैं गुरु को जाना नहीं मैं सियाणा मेरा शरीर बुढ़ा बजुर्ग हाँ मैं चढ़ाई कर जाना फिर तू की करूँगा मैं गुरबाणी आधार हाँ गुरबाणी लाग रहा हूँ। गुरु रामदास साहिब जी ने कहा जिहड़ा हुण दे समय विच द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज गुरबाणी दी आप संथ्या लईए गुरबाणी दी कथा सुनीए गुर इतिहास नाल जुड़ीए क्योंकि वो भी गुरबाणी दी तर्जुमानी आ द बेस्ट कथा ऑफ गुरबाणी इज गुर इतिहास ये दोवां चीज़ां दा लिंक बहुत बड़ा आ ते मैं तां संगत नूं इही बेनती करदा कलयुग दा समां बहुत ज़्यादा भयानक आ सानू नास्तिकवाद ने तो खिंचना ही आ उधर नू ना जाइए भावना दे नाल सानू ये गल्लां कहण दी ना तो सानू चंगियां लगदियां कहण लगियां असी चाहुंदे आ वी जदों स्टेज ते बैठीए जिहड़ा शब्द होवे शब्द दे दायरे च रह के ते उहदी कथा करिए। मैं संगत नू भी अपील करदा शब्द नाल जुड़ो गुर इतिहास दे नाल जुड़ो शरदा बनाओ शरदा सिक्खी दा थंम आ शरदावान लभते ज्ञानम तुहानू ज्ञान दी भाल आ पहलो शरदा बना लो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। Absolutely, so a very big thank you to Sukhjeevan Singh there for giving us a fantastic message and just talking to us about Sikhi and the importance of making sure that we understand Sikhism as a youngster of today, especially in Britain as well, especially with so many distractions. It's so important to make sure that we learn about our religion. So we are coming up towards the end of the show. I think end of the show हो गया ना? बिल्कुल जी ऐसी सारण स्वागत करने हैं कल नूं खास तौर पे 7 बजे लेके हो जाओगे ब्रेकफास्ट शो इस तरह देखते रहना सिख चैनल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।